नमस्कार, मैं साक्षी एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज कुछ खास खबर देखते हैं। लाखांदूर तहसील को अकालग्रस्त घोषित कराने हेतु किसानों ने किया कीर्तन आंदोलन। भंडारा जिले में बारिश कम गिरने से इस साल धान की फसल पर काफी असर होकर उत्पादन में भारी कमी आ गई है। साथ ही में जरा सी फसल खेत में थी तो उस पर बीमारियों ने आक्रमण कर फसलें बर्बाद कर डाली है। ऐसे व्यापारिक स्थिति में राज्य सरकार ने भंडारा जिले को अकालग्रस्त घोषित न करने किसानों में जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। विगत वर्ष के धान के फसल पर आए तुंदा के पैसे किसानों को अब तक पूरी तरह से बांटे नहीं गए। इन मांगों को लेकर लाखांदूर तहसील के कार्यालय के सामने पूर्व समाज कल्याण सभापति चंद्रशेखर टेंबुरने के नेतृत्व में किसानों का कीर्तन आंदोलन किया गया। सप्त खंजरी वादक तुषार सूर्यवंशी ने कीर्तन की शुरुआत कर किसानों के जर्जर स्थिति को सरकार के सामने अपने कीर्तन के माध्यम से रखी। मला हे सांगा का गरज आहे? ऑलरेडी तुमच्याजवळ ऑप्शन आहे ना त्या लोकांना पट्टे देण्यासंबंधा? तुम्ही पट्टे देण्याचं सोडून देणार, तुम्ही दरवर्षी तुमच्या लक्षामध्ये आलं की भारतीय जनता पार्टीचे 3 आमदार या जिल्ह्यामध्ये आहेत। एक चरण भाऊ वाघमारे, दुसरे आदरणीय औसरेजी आणि तिसरे आपल्या साकोली विधानसभा क्षेत्राचे आमदार बाळाभाऊ काशीवार। तिन्ही आमदारांना एक एक तालुका सरकारने देऊन टाकला गिफ्ट म्हणून। चरण भाऊ वाघमारेंना मोहाळी दिला, औसरेंना त्यांनी पौनी दिला आणि बाळाभाऊ काशीवार यांना लाखणी दिलं। पण खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्यांच्या वेदना, त्यांची पीडा, त्यांचे दुःख आणि शेतीची परिस्थिती पाहून या लोकांनी दुष्काळग्रस्त घोषित करावं असं अपेक्षित असताना सुद्धा त्यांनी साकोली आणि लाखांदूर तालुका या यादीमधून वगळला। आणि वगळल्यानंतर ज्यावेळी सगळीकडे लोकांना याचं वाईट वाटलं, लोकांच्या भावनांची जाणीव असल्यामुळे आम्ही काही लोक साकोलीला तहसील कार्यालयाच्या समोर आमरण उपोषणावरती बसलो की ज्या क्लायमॅटिक कंडिशन्स, जे आपलं वातावरण असते याच्या ज्या कंडिशन्स आहेत त्या लाखणी साकोली लाखांदूरच्या एक सारख्या आहेत। तुडतुडा तिकडे लागला, इकडे लागला, पाऊस तिकडेही आला नाही, इकडेही आला नाही। इकडचे सुद्धा शेतकरी आमचे बांधव आहेत, इकडचे सुद्धा शेतकरी आमचे बांधव आहेत, त्यांना दिलं, आम्हाला सुद्धा दुष्काळग्रस्त यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे म्हणून आम्ही लोक तिथे 4 दिवस उपोषणावरती बसलो। पण त्याच्यानंतर ज्या दिवशी उपोषणाला बसलो त्याच्या दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रामध्ये बातमी आली की मोहाडी, पवनी आणि लाखणी तालुका सुद्धा वगळला, म्हणजे आता संपूर्ण जिल्हा त्यांनी त्या यादीतून वगळून टाकला। गोंदिया आणि भंडारा जिल्हा या दुष्काळग्रस्त यादीमध्ये आता येत नाही। पण हे करत असताना इथल्या शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेण्याचं काम सरकारने केलं नाही असा आरोप आम्हा लोकांचा आहे। तुडतुडा याही वर्षी आला, पाऊस आला नाही, जितक्या ठिकाणी सिंचनाचे जितके प्रकल्प आहेत या प्रकल्पामधून जे पाणी आमच्या शेतामध्ये येते त्याचं जे नियोजन करावं लागतं ते इरिगेशन डिपार्टमेंटनी यावेळी व्यवस्थित केलं नाही। अजूनही अनेक लोकांपर्यंत, म्हणजे कालच माझं सुनील भाऊ फुंडे जे जिल्ह्याचे बँकेचे अध्यक्ष आहे त्यांच्याशी बोलणं झालं, त्यांनी सांगितलं की माझा काही धान निसवला नाही, अजून काही निसवलाच नाही, काय तर पाणी नाही, इकडे लोड शेडिंग सुरू आहे। त्यांना अनेकदा विनंती केली बाळकुळे साहेबांना की साहेब 4 तास वाढवून द्या, 8-12 तास करा, येणारे 25 दिवस फक्त तुम्ही आम्हाला 12 तास लाईन द्या, आमच्या शेतकऱ्यांचे एकदा धान पिकून जाऊ द्या, त्याच्यानंतर तुम्ही लाईन बंद केली तरी चालेल, पण धान तर पिकून जाऊ द्या। अरे ज्या शेतीच्या भरोशावरती आम्ही आमच्या मुलांचे शिक्षण करतो, ज्या शेतीच्या भरोशावरती आज अनेक लोक आशा करून आहे का यावर्षी पोरीचा लगन आटोपून टाकेल, त्याचं तुम्ही पाणी बंद करून टाकता, त्याची उभी शेती तुम्ही मारता आणि त्याच्यानंतरही तुमची मुजोरी अशी की शेतकऱ्यांचं उत्पन्न हे दुप्पट करवण्याचं सरकारने ठरवलेलं आहे। कसे दुप्पट कराल?
तुम्ही तर शेती चौपट करून टाकली. कोणत्याही बाबतीमध्ये शेतकऱ्यांना मदत करण्याचं धोरण या सरकारचं नाही आणि म्हणून या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मी या सरकारचा निषेध करतो. आता आम्हाला एक भाऊ भेटले, तुडतुड्याचे पैसे मागच्या वेळेचे या लाखांदूर तालुक्याला मिळाले. आतापर्यंत चार दा 30-30, 40-40, 50-60 लोक घेऊन मी तहसीलदार साहेबांना वारंवार भेटत गेलो. चिडून बोललो, तिखट बोललो, हडकावून सांगितलं, पण तस के मस्त नाही. आजच्या तारखेला सुद्धा अनेक लोकांच्या तुडतुड्याचे पैसे देखे या हरामखोर लोकांनी दिलेले नाही. कारण काय? 20 कोटी रुपये आले या लाखांदूर तालुक्यामध्ये, 10 कोटी रुपये आले लाखणी तालुक्यामध्ये आणि फक्त 1 कोटी रुपये आला साकोली तालुक्यामध्ये. मग 20 कोटी रुपये लाखांदूर तालुक्यामध्ये आल्यानंतर त्याचं वाटप व्यवस्थितरित्या आमच्या शेतकरी बांधवांना व्हायला पाहिजे होता. पण आमचा शेतकरी अडाणी, कोणी दुसरी पास आहे कोणी चौथी पास आहे हे लोक कारण सांगत गेले. इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साकोली विधानसभा के अध्यक्ष अविनाश ब्रह्मांकर ने सरकार की जमकर खिंचाई करते हुए लाखांदूर तहसील के साथ समूचा भंडारा जिला अकालग्रस्त घोषित करने की मांग की. उन्होंने तुंडातुंड के आए हुए करीबन 20 करोड़ रुपए किसानों को बांटने में लेट लतीफी करते हुए आरोप लगाया कि तालुका प्रशासन में ब्याज के लाखों रुपए का गबन किया है. इस अवसर पर तहसील के किसान काफी संख्या में उपस्थित थे. आपने तहसीलदार की एक मांग का निवेदन भी दिए, और निवेदन देते समय आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया तहसीलदार के ऊपर, जो तुड़तुड़ा के पैसे आए हुए है उसका जो 20 करोड़ रुपए आया हुआ है उसका ब्याज तहसीलदार खा रहे हैं, इसके बारे में आपके क्या कहना है? ये जो अभी बाई इलेक्शंस हुए भंडारा गोंदिया जिले के लोकसभा क्षेत्र के, ये बाई इलेक्शंस में हम लोगों को याद है कि आधी रात को ट्रेजरी खोलकर तुड़तुड़ा का पैसा किसानों को दिया जाए ऐसा मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, और उसके बाद से तुड़तुड़ा का पैसा लाखांदूर तालुका को मिलना शुरू हुआ. लेकिन उसको काफ़ी समय हो गया. आज भी जब आप भी बात किए तहसीलदार नायब तहसीलदार से, तो उनका ऐसा कहना था कि अभी भी कुछ लोगों का पैसा देना बाकी है. जब जो भी कागजात उन लोगों ने मांगे वो कागजातों के बारे में जब किसानों से बातचीत किया तो उनका ऐसा कहना था कि वह हम लोगों ने सभी कागजात दे चुके हैं फिर भी अभी तक पैसा मिला नहीं. इसलिए हमारा ऐसा कहना है, लाखांदूर तालुका में 20 कोटी रुपए आए थे किसानों के लिए, लेकिन वो आज तक के देने में नहीं आए, उसमें से काफ़ी अमाउंट. तो इसका मतलब हम लोग सीधा सीधा हमारा कहना ये आरोप ऐसा है कि तहसील कार्यालय का अकाउंट ये बैंक ऑफ इंडिया के साथ में है, और इसमें बैच की रकम जो है वो अभी तक लाखों रुपए हो चुकी होगी, और ये रकम अगर वो लोग कमा रहे हैं तो सीधा सीधा हमारा आरोप है कि उनको किसानों को पैसा देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और बैच जमा किया जा रहा है. और हम लोगों का ये कहना है कि किसान अभी राह देख देख के मुझे एबनॉर्मली ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो अभी उनका पैसा हम लोगों ने उनको अल्टीमेटम दिए कि आने वाले 5 दिनों के अंदर में कोई भी हालत में बचे हुए किसानों का तुड़तुड़ा का पैसा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि किसान के जेब में आज के तारीख में 1 रुपया नहीं है और उसको मदद करना बहुत ज़रूरी है. आज का जो कीर्तन आंदोलन था ये दुष्कालग्रस्त लाखांदूर तालुका है दुष्कालग्रस्त घोषित करना चाहिए इस मामले को लेकर था, और एक बहुत ही अच्छा कीर्तन आंदोलन यहाँ पे किसानों ने खड़ा किया. आदरणीय चंद्रशेखर जी टेम्बुड़े ने इसका आयोजन किया, और मोहाड़ी पवनी और लखनी तालुका इन लोगों को सदृढ़. टेम्बुड़े जी मुझे बताइए कि आपने जो आज का आंदोलन कीर्तन आंदोलन किसानों का यहाँ पर जिसका आयोजन किए थे इसकी प्रमुखता से मांग क्या थी? इसकी प्रमुखता से मांग ये थी कि लाखांदूर तालुका दुष्कालग्रस्त होना चाहिए, क्योंकि भंडारी जिले में लाखनी तालुका है, पवनी तालुका है, ये दुष्काल सदृश सरकार ने घोषित किया है. तो लाखनी तालुका और पवनी तालुका में जो अवस्था है वही अवस्था हमारे लाखांदूर तालुका में है. तो एक तालुका में दुष्काल सदृश परिस्थिति और दूसरे तालुका में कुछ भी नहीं है, ये जो पक्षपात है ये सरकार ने नहीं करना चाहिए. पहली बात ऐसी है कि 50% के नीचे अगर आने वाली रही तो तालुका दुष्काल घोषित होता है, यह गवर्नमेंट का निकस है, और ये सब दिखाने का काम तहसीलदार करता है. तो मेरा आरोप ऐसा है कि गवर्नमेंट का तहसीलदार को आदेश ऐसा है
कि तालुका दुष्कालग्रस्त नहीं होना चाहिए, ऐसे आने वाली आप दिखाओ। लेकिन बताइए कि अभी शुरू में जब राज्य सरकार ने राज्य के कुछ तहसीलों का अकालग्रस्त घोषित किया था, जैसे भंडारा जिले में मोहाड़ी, पवनी और लखनी, ये तीन तालुका अकालग्रस्त घोषित किए थे, सदृश घोषित किए थे, लेकिन उसके बाद तुरंत तीनों तालुका का नाम लिस्ट में से निकाल दिया गया। मतलब अभी पूरा जिला अकालग्रस्त घोषित में नहीं है, जिले के कोई भी तालुका अकालग्रस्त घोषित में लिस्ट में नहीं है। ऐसे में आपकी जो मांग है ये कितनी जायज है, और अगर घोषित नहीं हुई तो आगे आपके क्या मतलब कार्रवाई होगी? कैसा है, नागपुर जिला भंडारे जिले को लगकर है और नागपुर जिले का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। जब नागपुर जिले में सारे तालुका दुष्कालग्रस्त घोषित हो सकते हैं, अकालग्रस्त घोषित हो सकते हैं, तो उसको लगकर जो कि पर्जन्यमान दोनों जिले में सेम है, उधर जितनी बारिश हुई उतनी भंडारे जिले में भी बारिश हुई, तो नागपुर जिला अकालग्रस्त घोषित हो सकता है, भंडारा जिला क्यों नहीं? मुख्यमंत्री महोदय भंडारे जिले के ऊपर जानबूझकर अन्याय कर रहा है, इसलिए हमारी मांग ऐसी है कि हमारे तालुका भी अकालग्रस्त घोषित होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कर्जबाजारी है और तुड़तुड़ा है, गादमासी है, खोड़कीड़ा है, इससे काजड़ी का रोग है, इससे तो किसान ब्याल है, लेकिन जो हल्का जो वान का धान रहता है एक पानी के वजह से वो तो पूरे चले ही गए हैं। तो ऐसे वक्त सरकार ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, अगर सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं देती तो आखिर किसान को भी आने वाले समय में उसका प्रत्युत्तर देने की ताकत रखती है और हम देंगे। आइए देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ निशांत लांजेवार की खास खबर MNS न्यूज के लिए। लाखांदूर तहसील अकालग्रस्त होना चाहिए, इसलिए चंद्रशेखर टिम्बूर ने पुरुष सभापति समाज कल्याण विभाग जिला परिषद भंडारा के नेतृत्व में आज लाखांदूर में सप्तक खंजरी वादक तुषार सूर्यवंशी के माध्यम से किसानों का कीर्तन आंदोलन का आयोजन किया गया था और किसानों ने भारी तादाद में इससे हिस्सा लिया। किसानों की मांग है कि हमारा लाखांदूर तालुका अकालग्रस्त होना चाहिए, सरकार ने करना चाहिए। अभी अविनाश ब्राह्मण का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साकोली विधानसभा के अध्यक्ष और चंद्रशेखर टेम्बूर ने के नेतृत्व में किसानों ने तहसीलदार को एक निवेदन दिया और निवेदन देते समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साकोली विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा अध्यक्ष अविनाश ब्राह्मण कर ने बहुत बड़ा आरोप तहसीलदार के ऊपर लगाया कि तुड़तुड़ा के नाम से जो 20 करोड़ रुपया तहसील आप इसको जो मिला था उसके पैसे अभी तक के किसानों को दिया नहीं गया। वो इसलिए दिया नहीं गया कि लेट लिटपी करके उसके ऊपर का ब्याज खाने का काम तालुका प्रशासन ने किया। ये बहुत बड़ा आरोप यहाँ के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साकुल विधानसभा के अध्यक्ष अविनाश ब्राह्मण करने लगा है। और हकीकत ये है कि बार बार गलतियाँ निकाल कर किसानों के खातों में तुड़तुड़ा के पैसे देने में तहसील प्रशासन लेट लेते भी कर रही है। इसका मतलब ये है कि एक जानकारी के अनुसार पता चला कि करीबन 11 लाख रुपए से भी ज़्यादा ब्याज उसके ऊपर आ चुका है। ये 11 लाख रुपए का ब्याज जो पैसा आ चुका है आखिर किसके खाते में जमा होने वाला है? क्या तालुका प्रशासन के खाते में जमा होने वाला है या बैंक के खाते में जमा रहने वाला है? ये संशोधन का विषय है, लेकिन किसानों को अभी तक पैसा नहीं मिला है। ब्याज का पैसा किसने खाया इसका भी संशोधन होना बहुत जरूरी है। आज यहाँ पर किसानों के आंदोलन को लेकर निवेदन दिया गया और मांग की गई है कि लाखांदूर तालुका अकालग्रस्त घोषित किया जाए। मैं निषाद लांजेवार, MNS न्यूज भंडारा। तो खबरों में आज के लिए बस इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS हिंदी ऐप प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।